कुछ महीनों के बाद रवि को उनका सरकारी घर मिल गया। नया घर काफी अच्छा था। आओ ना। ये रहा हमारा नया आशियाना। बहुत अच्छा है। अब हमें यहाँ प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता। जी भर के प्यार करेंगे, खुल्लम खुल्ला। हर पल मुझे अपनी ससुर जी की याद आने लगी। सुनिए जी। हाँ बोलो ना। मुझे गांव जाना है। अरे तुम अभी 2 महीने पहले तो आई हो वहाँ से वापस। वो माँ जी की तबीयत खराब चल रही है ना, इसलिए। बाबूजी है ना वहाँ माँ का ध्यान रखने के लिए, और तुम्हें पता है ना कि मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। मुझे गांव जाना है, मैं यहाँ इतनी जरूरी बात कर रही हूँ और आप होगी। ठीक है जाओ फिर। सुनिए ना, आप तो गुस्सा हो गए, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। माँ जी की उम्र हो गई है, हर चीज बाबूजी को थोड़ी बताएंगे। हम यहाँ हैं और अगर माँ जी को कुछ हो गया तो। अरे नहीं नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं काम करता हूँ, संडे की तुम्हारी टिकट बुक करा देता हूँ और तुम अपना सामान पैक कर लो, ठीक है? माँ जी प्रणाम। अरे बहू खुश रहो, अकेली आई है, रवि नहीं आया। उनको कहाँ फुर्सत है, हम हैं कि हमी को आपकी याद आती। बाबूजी नहीं दिखाई दे रहे, बाबूजी कहाँ हैं? वो तो सैर पे गए से। अच्छा मैं सामान रख देती। हाँ आराम कर ले। रोज कलकल करती रहती हो, 1 महीने से ज्यादा हो गया है तुम्हें। अब तो माजी भी बिल्कुल ठीक है ना? कब लौटोगे तुम? बस कुछ दिन और। नहीं, 1 दिन भी और नहीं। तुम बस कल के कल वापस लौट रही हो, नहीं तो हमेशा के लिए वहीं रह लेना। मैं दूसरी शादी कर लूंगा। जब देखो दवाई टाइम पे ले लिया कर, नहीं तो थारे बगैर कल ही रहना पड़ जाएगा मने। अरे खा लूंगी बहू। रवि का फोन आया सर, वापस बुला रहा है थारे को। हाँ माँ जी कल जा रही हूँ। मेरी सासू माँ का दिल की बीमारी के कारण देहांत हो गया, और फिर रवि ने बाबूजी को हमेशा के लिए हमारे साथ रहने के लिए बुला लिया। अरे बाबूजी आप। प्रणाम बाबूजी। जीता रहे बेटा, जीता रहे। और बाबूजी सफर कैसा रहा, कोई परेशानी तो नहीं हुई? ना बेटा ना, मने कोई परेशानी ना हुई। बैठी रहे बाबूजी। बैठता हूँ बेटा। वो हुआ यूं कि रास्ते में 2-4 घने अच्छे लोग मिल गए, बातें करते करते सफर कट गया, पता ही नहीं चला मंजिल कब मिल गई। बेटा
घर तो घना छोटा है पर सुंदर लाग रहा है। बेटा बहू का है, दिखाई ना दे रही। चांदनी जल्दी आओ, देखो बाबूजी आए। जी आई। प्रणाम बाबूजी। जीतती रहो बहू, जीतती रहो। बाबूजी आप नहा धोके फ्रेश हो जाइए। चांदनी तुम बाबूजी के लिए बिस्तरा लगा देना और खाने के लिए कुछ बना देना। जी अच्छा। बाबूजी मैं ऑफिस जाता हूँ, शाम को आकर मिलता हूँ आपसे। ठीक है लल्ला, ध्यान से जाइयो। ठीक है बाबूजी, प्रणाम। शाबाश। सरप्राइज। ये क्या है? अब जो भी है इसे जल्दी से पहन के दिखाओ। चलो 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 चलो। क्या बात है, हुस्न परी लग रही हो आज तो। दिल आ गया तुम पे। अच्छा क्यों, रोज नहीं लगती क्या? अरे मेरी जान रोज तो लगती हो, लेकिन आज तो उछल उछल के बाहर आ रहा है। क्या दिल या कुछ और? जब तुम्हें पता है कि क्या उछल कर बाहर आ रहा है तो फिर तड़पा क्यों रही हो? क्या हुआ? लल्ला के साथ मर जाना आयो? देख रहा हूँ अभी भी पूरी की पूरी जान बाकी से है। रात को छत पे आ जाइयो, पूरी बिछाड़ करके छोड़ूंगा ठीक से। क्या हुआ डॉक्टर साहब? मुबारक हो, आप बाप बनने वाले। सच्ची? बाबूजी, बाबूजी आप दादाजी बनने वाले हैं। थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। डॉक्टर साहब आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। चलिए कुछ दवाइयाँ लिख के दे देता हूँ। जी बाबूजी मैं अभी आया। यो सब के हो गया, इतनी बड़ी गलती मारे से कैसे हो गई? क्या हुआ? जो सीन देखना था वही कट हो गया, पूरा मजा किरकिरा हो गया। लेकिन क्या हुआ अगर मैं कहूँ तो आप अपने फेवरेट शो पूरे देख सकते हैं बिना कटे, यानी जो सीन आप देखना चाहते हैं वो आपको वैसे ही दिखेगा जैसा आप चाहते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए उल्लू ऐप, जस्ट क्लिक एंड प्ले।